नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मीन चौबे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने ही जिसकी तैयारियों में सभी पार्टी जुट चुकी है और जो पार्टी है वो अपनी तैयारियां और भी ज्यादा तेज कर रही है क्योंकि जो निकाय चुनाव की तारीख है वो काफी नजदीक आ चुके हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि मिर्जापुर में जो पार्टी है उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, प्रचार प्रसार काफी तेजी से कर रही हैं। अब ऐसे में जो मिर्जापुर में पार्टी है उनके लिए जो मुसीबत है वो बागी नेता बनते हुए नजर आ रही हैं। बीजेपी ने अपने मिर्जापुर से अपने लिए उम्मीदवार चुना है श्याम सुंदर केसरी को, जिसके बाद से बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता काफी नाराज हैं और उसमें निर्दलीय चुनाव लड़ने की जिद ठान ली है। आपको बता दें कि मनोज श्रीवास्तव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद से बीजेपी की जो है वो नींद उड़ गई है। मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि मैं पार्टी से काफ़ी नाराज हूँ, मैंने पार्टी के सभी नेतृत्व को अपने में उतारा है, मैंने उनकी सभी बातों को माना है, उनके जो भी उनके उनकी जो विचारधारा है उसको अपने आप में सींचा है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट ना दे करके उन्हें बहुत आहत हुआ है और इस वजह से वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। अब जब से उन्होंने ये इस बात की घोषणा की है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं तो बीजेपी की जो है वो नींद उड़ गई है, और ना ही सिर्फ बीजेपी बल्कि कई अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता है, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो, जिनको टिकट नहीं मिला है वो नाराज हो करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने घोषणा कर दिया। अब जिसके बाद से जो पार्टी है उसके लिए ये मुसीबत का कारण बन चुका है और एक टेंशन का माहौल बन चुका है। वैसे में देखना ये होगा कि जिस उम्मीदवारों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है इससे पार्टी को कितना नुकसान होता है या इससे पार्टी को कुछ फर्क पड़ता भी है या नहीं। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म के।